सभी को मेरा प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है जिनको लेफ्ट साइड में माइग्रेन का दर्द होता है, सिर के बाएं हिस्से में जो दर्द होता है उसे हम कैसे ठीक करें। इस वीडियो के माध्यम से आप ध्यान से सीखें, समझें और उसको अभ्यास में लाएं। सबसे पहले माइग्रेन का पेन ये बहुत तीव्रता के साथ होता है। सामान्य पेन में और माइग्रेन के पेन में अंतर होता है। माइग्रेन का पेन जैसे हथौड़ा कोई मार रहा हो, आपके पेचकस से आपको ऐसे कोई जो है चुभा रहा हो, बहुत पेनफुल होता है माइग्रेन पेन। इसे कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले आपको योग करना है। योग में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना है। नाड़ी शोधन में अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो राइट हैंड के प्राणायाम मुद्रा बनाकर इसको अभ्यास को करेंगे। अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास को लेना, धीरे धीरे श्वास को अंदर रोकें। ये एक चक्र मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाना, मूल बंद, एनस भाग को ऊपर की ओर खींचना, फिर राइट से श्वास छोड़ो धीरे धीरे, राइट से श्वास लो, फिर बंद लगाओ, जालंधर बंद और मूल बंद, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ो धीरे धीरे। जितना समय श्वास को लेने में लगता है उतना ही समय श्वास को अंदर रोको, बंद लगाओ, फिर बंद हटाओ, राइट से श्वास बाहर छोड़ो, राइट से श्वास लो, फिर बंद लगाओ, रोकने के बाद फिर लेफ्ट से बाहर श्वास को छोड़ो। तो नाड़ी शोधन आपको ये कम से कम 7 चक्र करने हैं, 7 चक्र। ये मैंने आपको एक चक्र करके दिखाया। यदि माइग्रेन का पेन आपका पुराना है, लंबे समय से आप 20-25 साल से इस पेन में हैं, तो आप नाड़ी शोधन के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें। अभ्यास होता जाएगा तो 11 चक्र 21 चक्र तक करें। दूसरा आपको करना है, जब लेफ्ट साइड पेन है आपको माइग्रेन का, तो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। सूर्यभेदी अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें। इस प्रकार से प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, राइट से श्वास को धीरे धीरे लें। श्वास को अंदर ही रोको, श्वास लेने के पश्चात उसको अंदर रोको, उसको फील करो। जालंधर बंद, गर्दन को नीचे झुकाना, मूल बंद, एनस भाग को ऊपर खींच के रखना, उसकी ऊर्जा को फील करो, फिर बंद हटाते हुए लेफ्ट से बाहर छोड़ देना। सूर्यभेदी, सूर्य नाड़ी से श्वास को लेना, श्वास को रोकना, लेफ्ट से बाहर छोड़ देना। इस प्रकार से आपको इसे कम से कम 5-7 मिनट तो जरूर करना है, यदि आपको लेफ्ट साइड माइग्रेन का पेन है। तो ये 2 प्राणायाम आपको अच्छी प्रकार से सीखना है और करना है। इनका अभ्यास सहजता से करेंगे, उसके इफेक्ट को फील करते हुए करेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास कर लें आप। सूर्य नमस्कार के 12 पोजेस कम से कम 5-7 राउंड सूर्य नमस्कार के जरूर करें, जिनको लेफ्ट साइड पेन रहता है। और आपको अपने नोज में, अपने नाक में अणु तेल, ये आयुर्वेद में एक ऑयल आता है अणु तेल, या षडबिंदु तेल, जो भी आपको मिल जाए, आप दोनों में से कोई भी एक ऑयल डालें। अणु तेल ज़्यादा उपयोगी है। और यदि ये नहीं है तो घर में सरसों का तेल आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल में डाल लीजिए, राइट में भी डाल लीजिए। 3-4 बूंद आप दोनों नाकों में डालकर उसको अंदर की इनहेल करें, खींचें, और फिर जब मुंह में आ जाए तो उसको बाहर निकाल दें। तेल आप स्टीम जरूर लें, स्टीम लें, तेल डालें, फिर आप स्टीम लें, उसको तेल को पूरा बाहर निकाल दीजिए, फिर एक बार फिर से दो तेल को डाल लीजिए। तो 2 बार स्टीम लें, 2 बार तेल डालें,
तो आपका पूरा जितना भी जमाव है, जो कफ का, जो पेन का मुख्य कारण है, वो सब बाहर निकल जाएगा। दूसरा, आपको खाने में खट्टी चीज़ें बंद करनी है, ठंडी चीज़ें बंद करनी है, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें आप न खाएं कुछ दिनों के लिए, आइसक्रीम इत्यादि न खाएं, और साथ में आप तुलसी, घर में आपकी तुलसी है, 7 पत्ते तुलसी के ले लें, उसमें 2 काली मिर्च, 1/2 चम्मच मुलहती और थोड़ा हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी डालकर इस पानी को बॉईल कर लें। जब पानी उबलते हुए आधा रह जाए, छानकर गुनगुना हो पीने लायक, उसको सिप सिप करके आप चाय की तरह पी लीजिए। उसमें थोड़ा आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये आपको हर रोज सुबह पीना है, कम से कम 1 महीना। तो आप देखेंगे आपका माइग्रेन का पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका कितना भी पुराना, कितने सालों से आप दवाइयाँ खा रहे थे, वो दवाइयाँ आपकी छूट जाएंगी। क्योंकि माइग्रेन पेन में यदि एक भी दिन आप दवाइयाँ छोड़ते हैं तो आपका पेन एग्रीवेट हो जाता है। तो दवाइयों को छोड़ने का केवल एक ही तरीका है, आप योग करें, आप आयुर्वेद को फॉलो करें और स्टीम लेकर ऑयल को डालें, तो आपको निश्चित रूप से आराम होगा। खट्टी और ठंडी चीज़ें आप ना खाएं। तो कुछ दिन, लगभग 1 महीना आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका पेन, कितना भी पुराना पेन है, 30-40 साल तक के पुराने पेनों को हमने देखा है, अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे पेशेंट हमारे पास आए, हमने उनको ट्रीटमेंट दिए, वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। तो माइग्रेन के पेन में कई बार दवाइयाँ खाते खाते एंटी डिप्रेशंस पिल पर आ जाते हैं व्यक्ति, एंजाइटी बहुत अधिक होने लगते हैं, डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। तो आप अपनी दवाइयों से जितना जल्द से जल्द छुटकारा पाएं, इन उपायों को अपनाकर, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जिनको राइट साइड पेन होता है, उनके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पर जाएं और वो वीडियो को देखें। जिनको राइट साइड का माइग्रेन पेन है, वो इन उपचारों को ना करें। जिनको राइट साइड है, उनके लिए अलग से उपचार हैं, अलग से औषधियाँ हैं, वो उनको देखें और उनको अप्लाई करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।